फोनी तूफान से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 8 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और जनता से घर के अंदर रहने की अपील की है। तटीय जिलों के निचलों और चपेट में आने वाले क्षेत्रों के लोगों को 880 चक्रवात केंद्रों, स्कूल और कॉलेज की इमारतों और अन्य ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। ओडिशा के कम से कम 14 जिले पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, गंजम, खुर्दा, जाजपुर, नयागढ़, कटक, गजपति, मयूरभंज, ढेंकानाल और केंद्र के चक्रवात की चपेट में आने की संभावना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चक्रवात का असर पड़ने की संभावना है। करने का अभी तक हमारे पास ये नहीं कह सकते, वो तो IMD बताएंगे, पर हम प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से। अपना सेंटर, एक हेडक्वार्टर हम पूरी बना रहे हैं, एक यहाँ पर अपने भुवनेश्वर बना रहे हैं, दो हेडक्वार्टर बना। कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग हर जगह से कनेक्टेड हैं और हमारा QDA वगैरह, एंटीना वगैरह जो है, जिससे कि हम डायरेक्ट वीडियो से आपस में बात कर सकते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। हमारे पास अभी कोई चैलेंजेस अभी तक कुछ नहीं आई है। हम लोग बड़ी कुल्ली सब लोगों से बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है संपर्क और एवरीवेयर टीम्स आर वर्किंग। हम उनको डूज एंड डोंट्स का मेन हमारा अभी यही है कि डूज एंड डोंट्स, एंड जहां जरूरत हो रही है उनको इवैक्यूएशन के लिए हम आगे बढ़।